अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मैंने बीट बॉक्सिंग 5 साल पहले स्टार्ट किया था। फिर लास्ट टू लास्ट ईयर इंडियन बीट बॉक्स चैम्पियनशिप होता है, तो उसमें मैं वाइस चैम्पियन बना मेरे टैग टीम पार्टनर के साथ, डीसाइफर। तो और मैं लास्ट टाइम सेम कॉलेज में पार्टिसिपेंट था और अभी मैं जज करने आया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी थी क्योंकि हर साल नए नए बीट बॉक्सर देखने मिल रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। कोई 13 साल का बच्चा भी अच्छा कर रहा था बीट बॉक्सिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बीट बॉक्सर आगे बढ़ रहे। बीट बॉक्सिंग ऐसा है कि हर साल नए नए लोग आते हैं और आपके स्किल्स भी मतलब हर साल इम्प्रूव करने पड़ते हैं, तो आप अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। बीट बॉक्सिंग जो जिसको पसंद है या जो करना चाहते हैं, वो लोग अच्छे गाने सुने, वो गाने को सुन के उन मतलब वो ट्रैक के ऊपर बीट बॉक्सिंग करें और अच्छे अच्छे म्यूज़िक बनाए। ये एस एस कॉलेज का 22nd ईयर है एंड हमारे जो फेस्ट का नाम है वो है सीजन्स 2020 एंड ये 21 ईयर से ये चला जा रहा है एंड दिस ईयर लाइक पहले 21 ईयर से ये फेस्ट हर बार सिर्फ दो दिन का रहता था, बट इस साल ये 3 दिन का है एंड इट इज़ लाइक गेटिंग बिगर एंड बेटर। तो फर्स्ट डे पे जो 30th को वी हैड नीना स्वेटा फ्रॉम सनबर्न कैंपस। नाउ 31st को कल ही हमारे पास सलीम सुलेमान जी आए थे एज अ लाइव फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट एंड टुडे वी आर हैविंग द लोकल ट्रेन म्यूजिक बैंड एंड इस साल वी हैड लाइक टोटल 70 इवेंट्स। ये 3 दिनों में 70 इवेंट्स कंडक्ट हुए हैं एंड इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि वी हैव 450 वॉलेंटियर्स और हम लोगों ने पूरी ताकत और जान लगा दी है कि ये इवेंट पूरा सक्सेसफुल हो एंड हमारे पास बहुत बड़े बड़े जजेस भी आए हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि हम ये फेस्ट और भी नेक्स्ट जो आने वाले सालों में और भी बेहतर करें एंड हमारे टैलेंट्स को और टैलेंट्स लाए यहाँ पे स्टेज पे। सो इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक हमारे कॉलेज में हमारे जो कोर है वी हैव 5 कोर मेम्बर्स, सो दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव एंड वो ये पूरा कंडक्ट करते हैं सीजन्स 2020 फेस्ट एंड देन वी हैव आर कन्वेनर को कन्वेनर प्रियादर्शिनी मैम एंड पेरुमल सर हु आर कन्वेनर एंड को कन्वेनर, सो दे ऑल्सो हेल्प अस इन कंडक्टिंग दिस ह्यूज प्रोग्राम। वो हमें सारी सुविधाएँ देती हैं, लाइक चाहे वो प्रोडक्शन हो, देन अगेन वी हैव दिस डिफरेंट कमिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक वी हैव operations, then we have support functions and events. So these are the 3 main committees or what we say departments of a fest जो ये पूरा conduct करती है और उसके अंदर we have 450 volunteers जो ये अलग अलग departments में segregated है and that is how we हम एक एक करके हम सबको मिला के हम एक बड़ा fest conduct करते हैं and हमारे college का जितना support है that is बोलते हैं ना इतना support हमें कहीं और दूसरे college में शायद ही नहीं मिले।